ये तो वो है, इसे कौन छुएगा? अरे ये तो रामजी सकपाल का बेटा है। अरे इसे तो बहुत चोट आई है भाई। लेकिन कोई तो उठाओ इसको। अरे कौन उठाएगा इसे, अशुद्ध थोड़े ही होना है भाई। तुम्हारा खेत तो बेकार हो गया। अरे भाई कोई उठाओ इसे, हमारी जमीन पे मरेगा, हमारी जमीन को अशुद्ध कर देगा। नहीं नहीं, हम लोग नहीं उठा सकते भाई, हम लोग नहीं उठा सकते भाई। क्यों भाई, हम लोग नहीं उठा सकते। अरे भाई तू खुद ही जा यहाँ से उठकर, मेरा ही खेत मिला था तुझे मरने के लिए, चल भाग यहाँ से। अरे कोई से घर जाओ, विद्यालय जाओ और बताओ ये मर रहा है यहाँ पर। चल। कैसा है ना राम जी, कोई काम करते रहो तो वो धीरे धीरे अपना सा लगने लगता है। अब ये रंग चढ़ाना उतारना भी नया नहीं रहा है ना। अरे कहाँ खोया हुआ है तू, मैं कब से तुझसे बातें किए जा रहा हूँ, तू जवाब ही नहीं दे रहा है। अरे रंग नहीं लगाना है, बाहर देख बाजार लग गया है, चल जल्दी कर। रंजन अब आज मेरा मन बेचैन हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। घर जा रहा है? अरे राम जी, अरे सुनो तो राम जी, सुनो तो राम जी। अरे रुको राम जी, अभी अभी आए, अभी अभी जा रहे हो, ऐसे काम कैसे करोगे? माफ कीजिए सेठ जी, आज थोड़ी घबराहट सी हो रही है, अभी मैं जाता हूँ, कल आ जाऊंगा। अरे राम जी, अरे ओ राम जी, क्या हुआ? अरे तुम्हारा बेटा भीम उधर खेत में गिरा पड़ा है, उसे बहुत चोट आई है। बीवा? क्या 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 हुआ? क्या 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 हुआ? बीवा को कहा है, कैसे चोट लगी उसे, बताइए। अभी कुछ मत पूछिए, उसे बहुत चोट आई है, जल्दी चलिए आप। चलिए चलिए दीदी, मैं आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जाके देख।